अच्छा कुछ भाई भाई पूछ रहे हैं स्मैश मारने का तरीका, स्मैश कर के आंदा कि जंप की जरूरी है या नहीं है। वो ब्रह्मा दे काफी सवाल आया ते कमेंट में कोशिश की थी मैं कि चलो कि नहीं ना ब्रह्मा टाइम दसा। तो भाई मैं जरा था कोई इतना खास आप प्लेयर ना जरा समझ दो, मैं मुख्तलिफ प्लेयर की वीडियोज वेखदा, वीडियो वेख के काफी प्लेयर तो सीखने की कोशिश करना जितनी भी साढ़े वे प्लेयर हैं। उद मैं मेन गलत जरूरी दस देवा कि कुछ होंगे ना साढ़े ब्राह परेशान होंगे कि साढ़ा जंप नहीं है तो अभी स्मैश किस तरह करिए सा तरीकेकार है। मेरे ख्याल स्मैश कर जंप की जरूरत इतनी खास नहीं होंगी, ठीक है। हाँ जंप जरूरी है स्मैश कर, लेकिन वह हुसन है स्मैश का, बाकी तुम खुद जान दो कि हम शाह है वह बगैर जंप तो स्मैश करेंदा और वह बड़ी अच्छी स्मैश कर लेंदा, ठीक है। और उसकी स्मैश के बच्चे होता कि मतलब एक बड़े फोर्स नाल ही स्मैश करेंदा। स्मैश कर जरूरी है कि तुम सिर्फ अपनी नज़र पहले रखो, अपनी टाइमिंग बनाओ कि थोड़ा जंप करने का या बाल में अप्रोच करने का क्या तरीकाकार है, ठीक है। बाल में तुम किस तरह अप्रोच करते हो, बाल की हाइट के वे उसमें तुम नोट करो, नोट करके चेक करो कि बाल साढ़ा हेस लेवल से आ गया और इस जगह से सेहत की बीमारी है, इस जगह से बाल साढ़ा फोर्स नाल वैसी, ठीक है। बाकी जी मेन चीज़ आ जाती एक चीज़ नंबर तुम याद रखनी कि अप्रोच थोड़ी बाल से अप्रोच हो, क्योंकि डिफेंसर जो होंगे सामने बाल देने वाला होंगे उस तो स्मैश तो हर तरह का बाल बचाने की कोशिश करनी, बाल रोल भी देना, बाल साइडा से भी देना, विंगा से भी देना, अगे देना, हाइट देना। उसके गाने जरूरी है कि तुम बाल में अप्रोच करना पहले सीखो, उसके गाने कि तुम बिल्कुल टाइमली टाइम थोड़े को जितना भी है अपनी बॉडी में मूवमेंट बिल्कुल सेंटर से लिया के मूवमेंट रखो। मूवमेंट रखने के तरीके का होगा कि तुम बिल्कुल बैक दे सेंटर वाली जगह पर आ जाओ, लाइन के नाल हो सके तो लाइन तक दो कदम बाहर चले जाओ और अपनी बॉडी में मूवमेंट रखो ताकि अगर इस साइड तो बाल देवे तो ईजली इस साइड से अप्रोच करो, अगर इस साइड तो बाल देवे तो ईजली इस साइड से अप्रोच कर लेंगे। जिस टाइम बाल थोड़े कोल आए तो टाइम का पता हो कि बाल जो मेरी नज़र उत्ते है बिल्कुल बाल इस जगह तैयार है, मैं बाल किस तरह मारना, ठीक है। फिर दूसरी गल जी है गल यह है कि भाई जंप भी बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन जंप जो है ना स्मैश दो सन, अगर थोड़ा जंप नहीं बन रहा तो बाकी तुम अप्रोच करना सीख लो, टाइमिंग बना लो, ठीक है। वो तुम बना लै सकते हो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही अच्छी स्मैश होगी। बाकी स्मैश के हाथ का तरीकेकार रखा होता है कि हाथ किस तरह, ठीक है। हाथ तुम बिल्कुल इस तरह रखना होता इस तरह स्ट्रेट हाथ, ठीक है। जिस तरह स्मैश आवे उसमें तुसा उस दे मुताबिक मारना, ठीक है। अगर तो तुसी स्मैश मारनी है फ्रंट तो अगे भगाने की कोशिश करनी है तो बाद यह जगह इस्तेमाल की क्योंकि यह जगह उतला हाथ का हिस्सा इस्तेमाल किया ताकि स्मैश थोड़ी बिल्कुल रो लगे हो कि फ्रंट से बवे। उस तो बाद जो होंगे मुख्तलिफ तुम चाहते हो कि साडा बाल फोर्स ही की बनजे साडा बाल अगे ही बनजे, उस जगह इस्तेमाल की जाती हाथ का सेंटर। अगर तो थोड़े को पक्का बाल है तो यकीन है कि मेरा बाल हूँ लगना और मैं फोर्स मारना दिन अगे बाल मिल गया तो अगे भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ इस नाल बाल फोर्स ही बनता। बाल प्लेयर होंगे बिल्कुल हाथ इस तरह कड़ा लेंगे उन्होंने जो हाथ कड़ा के मारना वो तो फोर्स तो बनती है, ठीक है। लेकिन उस रहा कि बाल थोड़ा ज्यादातर नैट जाता या आउट लगा जाता। हाथ ढिला रखो, हाथ ढिला रखने के बाद सिर्फ हाथ कंट्रोल रखो कि मेरे बाल उत्ते बिल्कुल हाथ पूरा पहुंच गया सी, ठीक है। वो थोड़ा हाथ जिस टाइम उत्ते बिल्कुल पहुंच गए बाल उत्ते कि मेरे हस्ते कदम पहुंच गया उस टाइम हाथ थोड़ा फिरे नहीं, बाद वो प्लेयर होने के मारन लग्या हाथ है कर बांधे हाथ उन्होंने साइड तो रहता बाद साइड तो रहता। अपनी नज़र होवे थोड़ी अप्रोच होवे हाथ से कंट्रोल होवे बाद थोड़ी कलाई का इस्तेमाल होवे, कलाई का जितना तुम इस्तेमाल करे सो गाड़ी इतनी स्मैश बेहतरी होती। बाकी टाइम तो पहले भी दसा कि टाइमिंग गाड़ी बाल प्लेयर होंगे कि जंप ओवर कर रहे बाल तो बाल थले रह रहा और ओवर जंप करने चक्कर उन्होंने बाल हथ से लग जाता, इस जगह से बाल लगने का बाल खराब होता। बाल प्लेयर होंगे कि जंप जरा ना पहले कर रहे बाल उत्ते होता उन्होंने सिर्फ उंगलियां लगदियां उद बाल खराब होता, लिहाजा टाइमिंग अपनी जी जितनी हो सके बेहतर करो। अच्छा उस तो बाद जिस टाइम दसते हैं कि भाई थोड़ा यह हो उस तो बाद नैक्सट थोड़े को चीज़ आ जाती जंप। अगर तो तुम चाहते हो कि साडा जंप ही बेहतर हो स्मैश करनी है जंप नाल ही जरूर है कि असर जंप नाल ही जरूरी तौर पर स्मैश करनी तो कारण बेहतर है कि तुम जंप की प्रैक्टिस करो किसी उच्ची जगह पर मतलब किसी कमरे के छत नाल बाल लटका लो जाली भी ला के और उस जंप की प्रैक्टिस करो बार बार बॉडी इंशाल्लाह जंप बेहतर हो। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो किसी दीवार के नाल बाल न खेडो बिल्कुल बाल दीवार नाल मरेसो वो बाल मुख्तलिफ तरह से किसी टाइम बाल जो थोड़े ना हाइट कम में चाहे किसी टाइम ओवर ही चाहे उस नाल ही थोड़ी जंप की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम जंप नाल ही स्मैश करो, काफ़ी प्लेयर हजरा तुम वेदो बना जंप नहीं है, लेकिन मेन चीज़ स्मैश करना जरूरी होती स्टैमिना थोड़ी नज़र से थोड़ी टाइमिंग ये त्रै चीज़ आप कवर कर लो इंशाल्लाह। हाथ कंट्रोल और हाथ कलाई का इस्तेमाल चाहे तुम जिस तरह दो हाथ वरायटी की कलाई का इस्तेमाल है स्मैश भी की कलाई का इस्तेमाल है। बाकी मेरे को बनाया ही है मैं मुख्तलिफ प्लेयर देखे वीडियो उन्होंने को सीखा तो जी चीज़ मैं दस दी।